फ्रेंड्स बात करेंगे सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में, जो कि अभी अभी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर निकल के आई है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट क्या पॉसिबल लेवल और टारगेट स्टॉक्स में नजर आ सकते हैं वो भी एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक बने रहे, इस खबर के ऊपर हम एनालिसिस करें उससे पहले यहाँ पे कंपनी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्टॉक तकरीबन 20.04 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि फ्रेंड्स अगर हम कोविड के बाद देखें तो इस स्टॉक्स ने तकरीबन 1000% के रिटर्न दिए हैं शेयर होल्डर्स को। जी फ्रेंड्स कोविड के बाद जबरदस्त चाल स्टॉक्स में देखने को मिली है और ये चाल आपको आगे भी कंटिन्यू नजर आ सकती है। कंपनी के कारोबार बिजनेस की बात करें तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्ट ग्रोइंग स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कंपनी कारोबार करती नजर आ रही है, साथ में पीसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करती है और अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है टेलीकॉम एनर्जी एंड रेलवे सेक्टर में। तो फ्यूचर में इस कंपनी का जो कारोबार है वो आपको जबरदस्त इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, कंटिन्यूसली इस कंपनी का बिजनेस आपको ग्रो होता हुआ नजर आ सकता है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो तकरीबन 3,465 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। आरओई की बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की 11.9% के आसपास का आरओई देखने को मिल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आरओई भी अच्छा देखने को मिल रहा है। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बड़े प्लेयर है उसकी भी पोजिशन यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं FIIs की बात करें तो FIIs की लास्ट क्वार्टर की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3% के आसपास की होल्डिंग थी, अब रिसेंटली क्वार्टर की बात करें जो डाटा निकल के आया है अप्रैल 2024 के आसपास के, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे दुगनी होल्डिंग हो चुकी है FIIs की। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि FIIs का भी भरोसा यहाँ पे कहीं ना कहीं इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। और जो रिसेंटली बड़ी खबर निकल के आई है उसके ऊपर एक नजर करें तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं खबर फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों के सामने NSE BSE दोनों एक्सचेंज को यहाँ पे फाइल सबमिट किया है और यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि कंपनी ने एक दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं EMC लिमिटेड करके कंपनी है उसको एक्वायर कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं दिस एक्विजिशन हैज बीन एग्जीक्यूटेड एंड कंप्लीशन विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी सब कुछ था वो क्लियर हो चुका है और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉट एवर देयर इज इस कंपनी में जो भी है सब कुछ यहाँ पे एक्विजिशन कर लिया है, पूरा का पूरा कंपनी यहाँ पे उठा लिया है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग ने। तो ये अपना एक बहुत बड़ी यहाँ पे खबर निकल के आई है कि सालासर टेक्नो जो कि अपने बिजनेस एंड कारोबार को इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है फ्यूचर में ये कंपनी जबरदस्त ग्रो करती हुई नजर आएगी और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट डेफिनेटली आने वाले दिनों में शेयर प्राइस के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इस स्टॉक्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, कंपनी प्रॉफिट भी अर्न कर रही है, इसलिए कंपनी यहाँ पे दूसरी कंपनियों को भी एक्वायर करती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि शेयर प्राइस में भी बड़ी चाल आने वाले दिनों में डेफिनेटली नजर आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स किसी भी तरह को इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अपना भी एनालिसिस करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी जरूर सलाह लेनी है। यह वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए ही है।